One. Two people. Good. ये क्या है किशु? Duck. Aeroplane है? अच्छा इसके अंदर कौन बैठा है? मिकी माउस बैठा है. ओके ये क्या है? जीब्रा. ये जीब्रा बैठा है ट्रेन के अंदर. ये वाली? हाँ. हैप्पी बर्थडे. हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल. कैसे हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. और आज की वीडियो जो मैंने पब्लिश की है उसमें इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे रिसीव हुए हैं और लॉट ऑफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मम्मा इन वीडियोस. सो यस, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड. हाँ बेटे. अच्छा केशव कौन आने वाला है सबको बता दो. यूवी. अच्छा यूवी आने वाला है. यूवी तो गया है इंडिया. नानी जी आने वाली है. हाँ. अच्छा भाई बच्चे तो बहुत एक्साइटेड. अब केशु पता है कुछ हद तक सुसु ट्रेन हो गया है. बहुत बार तो खुद से आके बता देता है मम्मा शुशु. कभी कभी करने के पहले बता देता है, कभी कभी करने के बाद बताता है. तो एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं. बट अब मैंने क्या करना स्टार्ट किया है, इसे डे टाइम में ना मैं कोशिश करती हूँ घर में डायपर ना पहनाऊं. ऑफकोर्स जब कहीं बाहर जाते हैं तो डायपर पहनाना पड़ता है. बट जैसे घर में मैं इसे ट्रेनिंग पैंट्स में रखती हूँ. मेरे लिए भी इजी रहता है, फटाफट से इसको वॉशरूम ले जाओ. तो साइकिल रहती है, हर 45 मिनट्स टू 1 आवर में मुझे उसे वॉशरूम लेके जाना होता है. कभी कर भी लेता है, कभी कभी नहीं आई होती तो मना कर देता है. कहते हैं ना पेरेंटिंग में डेज बड़े होते हैं बट इयर्स बहुत छोटे होते हैं. मतलब बच्चे कैसे बड़े होते जा रहे हैं साल दर साल पता नहीं चलता. बट यार जब ये छोटी छोटी चीजें आप बच्चों को सिखा रहे होते हो ना तो लगता है यार बच्चे जल्दी जल्दी सीख लें. केशव सबको बाय कर दो, चलो क्लीनिंग करने चलते हैं. बाय कर दो. बाय बाय. लव यू. पहले से ही लव यू कर रहा है. चलो दोस्तों मैं इसे सुला के आती हूँ, उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे वरना ये इसका सोने का टाइम निकल जाएगा. और फिर ना पता है अगर इस टाइम नहीं सोता ना फिर शाम को बहुत क्रैंकी हो जाता है. अभी इसकी पूरे दिन में एक नैप है, अराउंड 1.5 to 2 hours की नैप लेता है. तो अभी 1:30 बजे है, फिर 3:30 बजे जब इसका भाई आता है ना तब ये उठता है. चलो बाय कर दो सबको. बाय बाय. आज लंच में मैंने एक बहुत ही बढ़िया सी प्रोटीन रिच सब्जी बनाई थी ट्विस्ट के साथ. उसकी कंप्लीट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. बट उससे पहले ये जो मेरे फ्रिज में बीन्स रखे थे ना इनको मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था. और इनको ना मैं चॉप करके रख लेती हूँ थोड़ा बहुत टाइम जब भी मुझे दिन में फ्री मिलता है. इसको इस तरीके से सब्जी को प्रेप करके रख लो ना तो जिस भी दिन आपको बनानी है लाइक 1 से 2 दिन में मैं बना ही लूंगी. बहुत ईजी हो जाता है काम. आलू बीन्स की सब्जी मेरे घर पर बहुत पसंद की जाती है. तो बस यहाँ पे मैंने 4 medium size के टमाटर लिए हैं, इनको मैं रफली चॉप कर लूंगी. और वॉक में घी में मैंने थोड़ा सा हींग जीरा डाला, जिंजर, हरी मिर्च और थोड़े से मैंने काजू ऐड कर दिए. इनको हल्का सा भूनने के बाद इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूंगी. और टमाटर ऐड करने के साथ साथ ही इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी. थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा इसमें मैंने पनीर मसाला ऐड कर दिया. और बस मसाले को टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको ना एकदम मशी होने तक हम कुक करेंगे. मुझे बहुत बार कमेंट आता है कि प्रिया जो हम लोग कॉस्को से पनीर लेके आते हैं वर्का का वो तो बहुत हार्ड होता है, उसको कैसे आप यूज़ करते हो. तो दोस्तों अगर आप उस पनीर को इस तरीके से गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के रखेंगे ना थोड़ी देर तक तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है. जैसे इंडियन स्टोर पर हल्दीराम का पनीर होता है ना एकदम सॉफ्ट वाला, एकदम वैसा ही हो जाता है ये पनीर भी. तो यहाँ पर देखिए पनीर सॉफ्ट हो गया था, मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए. और ट्विस्ट आज की सब्जी में ये है कि पनीर के साथ साथ इसमें मैं न्यूटेला चंक्स भी ऐड करूंगी. न्यूटेला बहुत अच्छा होता है. एक्चुअली हम लोग वेजिटेरियंस हैं और हम वेजिटेरियंस की डाइट में ना प्रोटीन का अमाउंट बहुत कम रहता है. तो इस तरीके से आप अपने प्रोटीन के इनटेक को इंक्रीज कर सकते हैं. न्यूटेला चंक्स को थोड़ा सा गर्म पानी में मैंने बॉईल करके इस तरीके से हल्का सा रफली चॉप कर लिया और बस इसको पनीर की सब्जी के साथ साथ मैं ऐड कर दूंगी. बच्चों को पता भी नहीं चलता पनीर के बहाने वो लोग न्यूटेला चंक्स भी खा लेते हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है. एक बार आप इस तरीके से ना सब्जी ट्राई करके देखिएगा. बस यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी जो मैंने भून के रखी हुई है वो ऐड कर दूंगी और ऊपर से थोड़ी सी क्रीम और लास्ट में नमक ऐड कर दूंगी. और एक बार देखिए कितनी रिच ग्रेवी बनी है, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है. चाहे आप रोटी के साथ खाओ, चाहे आप इसे राइस के साथ खाओ. आप लोगों को मेरे कॉस्को हॉल्स बहुत अच्छे लगते हैं. और सच बात बताऊं मेरे घर पे ना आई गेस 40% सामान ना कॉस्को से ही आता है. क्योंकि यार कॉस्को पे ना जो चीजें होती है एक तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है सामान की. तो रेगुलर का जो सामान होता है दूध, ब्रेड, एग्स, फ्रूट्स,
पनीर, ये सारी चीजें तो आती ही आती हैं हर हफ्ते, बट इस बार मैंने कुछ और चीजें ली हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे ना एक कांच के ग्लास का सेट चाहिए था और एंकर हॉकिंग ब्रांड का कल मिल रहा था कॉस्को पे। ये 16 पीसेस हैं इसके अंदर, इस टाइप के छोटे वाले 8 ग्लासेस हैं और 8 इससे बड़े डबल साइज के ग्लासेस हैं, तो ये मैंने लिया। मेरे पास एक और सेट पहले था, बट वो पता है क्या होता है, ये सारे कांच की चीजें ना जैसे सब सिंक में ही जाती हैं, कभी कभी बच्चे तेजी से डाल देते हैं तो बहुत बार कांच के बर्तन टूट जाते हैं। अब मेरे पास सिर्फ 2 ग्लासेस थे और समर्स में ना ये वाले ग्लासेस बहुत काम आते हैं, कभी आप लेमोनेड सर्व कर रहे हो, कभी जूसेस वगैरह सर्व कर रहे हो, ठंडाई सर्व कर रहे हो, तो इसलिए मैंने ये पूरा सेट ले लिया। और ये जो आज मैंने कॉटन की टी शर्ट पहन रखी है ना, ये मैं 3 के सेट में कल लेकर आई थी। 32 डिग्री कूल वाली है ये, एकदम परफेक्ट कॉटन की टी शर्ट, एकदम आप इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे ना, चाहे आप घर पहनो चाहे बाहर पहनो। इसमें 3 कलर्स हैं, व्हाइट, ग्रे एंड ये वाला पर्पलिश शेड जो है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और किसी ने मुझसे रिसेंटली कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मैं अपने बॉडी हेयर के लिए क्या यूज करती हूँ, तो मैं ये लास्ट 2 ईयर्स से ना जिलेट का वीनस ब्रांड के ये रेजर आता है वो यूज करती हूँ, कॉस्को से ही लेती हूँ। इसमें ये एक इसका हैंडल है और ये इतनी सारी कार्ट्रिजेस मिल जाती हैं। इसका ये बेस्ट पार्ट है कि आपको ना अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसे अपने शावर में रख लो, जब भी आपको लगे आपको अपना हेयर रिमूव करना है आप आराम से इसे यूज कर सकते हो, कोई शेविंग जेल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो कार्ट्रिजेस है ना इसके ऊपर एक जेल टाइप का है, जैसे आप इसे यूज करोगे ना तो एक हल्का हल्का फोम बनता है आपकी स्किन पे, और काफी ज्यादा मतलब मुझे तो कन्वीनियंट लगता है। और इसके बारे में काफी लोगों को ये लगता है कि कहीं आपकी ग्रोथ हार्ड ना हो जाए, तो बट हार्ड होती नहीं है, मैं लास्ट 2 ईयर से यूज कर रही हूँ एकदम, मतलब फटाफट। कभी होता है ना कि आपको बर्थडे पार्टी में जाना है या कहीं जाना है और आपकी वैक्सिंग नहीं हुई, आपको ड्रेस पहननी है, तो फटाफट से ये यूज करो और चलते बनो। ये एक PR प्रोडक्ट है जो मुझे अभी रिसेंटली रिसीव हुआ था, ये जी पावर का पावर स्टेशन है, पोर्टेबल है, इसको अनबॉक्स करते हैं। मल्टीपल आउटलेट्स हैं, AC आउटलेट्स हैं, जैसे आप टोस्टर लगाना है, सैंडविच मेकर या छोटा मोटा ग्रिल का आइटम लगाना है, तो आप इन दोनों पावर आउटलेट से आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। 100 वॉट आउटपुट, बेसिकली आपके जो ये स्मॉल USB-C और USB है, फोन चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग, कुछ भी करना हो तो उनके लिए पावर बैकअप है। ये पावर स्टेशन काफी हैंडी है बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पैक्ट डिजाइन। आई विल लीव द लिंक फॉर दिस प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आप चेक जरूर करिएगा। अभी ये डील पे चल रहा है और कूपन कोड भी है आप सब लोगों के लिए, तो इन केस आप आउटडोर फन एक्टिविटीज करते हैं आपके ये प्रोडक्ट काफी काम आ सकता है। वैसे तो वहां आज तक पता है हम लोग जिस भी कैंपिंग साइट पे गए हैं ना, वहां पे इलेक्ट्रिकल आउटलेट होता है, वो हम लोग वैसे लाइट वगैरह कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, हीटर वगैरह भी चलाया है हमने उससे, बट यार कभी आप लैपटॉप लेके जाना चाहो, जैसे 3-4 दिन के लिए जा रहे हो, तो वहां पे कभी भी आप अपना लैपटॉप वगैरह लगा के चार्ज मत करना, क्योंकि वहां पे ना वोल्टेज वेरिएशन रहता है, उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो सकता है। तो इस टाइप का अगर आपके पास पावर स्टेशन है तो काफी काम आ सकता है। वैसे तो ये ऐसी चीज है जो आप मतलब आराम से अपनी कार वार में रख के लेके जा सकते हो। आज पता है सुबह से बारिश हो रही है, सुबह जब गोविंद को ड्रॉप करने आई थी तब भी बारिश हो रही थी, और अब पिकअप करने आई हूँ तब भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और वेदर भी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है क्योंकि बारिश होती है, हवा चलती है। ये फ्लीस जैकेट तो मतलब शिकागो में आप कभी रख ही नहीं सकते, जो मोटे मोटे जैकेट्स थे वो तो मैंने अच्छे से वॉश वगैरह करके नैप्थलीन बॉल्स के साथ रख दिए, अब इस साल अक्टूबर नवंबर में निकलेंगे, बट ये फ्लीस जैकेट तो ना मतलब कभी कभी ऐसा होता है जून में भी बारिश हो गई, हवा चल गई, ठंडा हो गया, तो काम आती हैं। आप सबको क्या सुना है, अच्छा तुम ये बिलीवर, बिकॉज़ मेरे को तो बिलीवर बजा रहे हैं, पहले आपको वो दिखाते हैं। वेल डन गुड्डू, वेल डन। चलो अब अच्युतम बजा के दिखा दो जल्दी से सबको। Yeah.
आज की वीडियो थोड़ी छोटी रह गई दोस्तों, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला रिकॉर्ड करने के लिए, बिकॉज टुडे इज द डे व्हेन माय मॉम इज कमिंग एंड वी आर ऑल सेट टू गो टू द एयरपोर्ट टू रिसीव हर। नेक्स्ट वीडियो में मम्मी आपको मिलेंगी एंड आई होप आपको बहुत मजा आएगा उनसे मिलके। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे रील्स हम लोग पोस्ट करेंगे एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज अ लॉट ऑफ फन कॉन्टेंट इज कमिंग योर वे। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ग्लूड टू माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू।